मेरे प्यारे प्यारे रिवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज के जो रेसिपी लाई धमाकेदार बड़ी चटपटी रेसिपी है फुल्की पानी कैसे बनती है, चलते हम रेसिपी की तरफ। प्याली मैंने बेसन लिया है, छान के लिएगा। इससे बहुत अच्छे से हमारे पकोड़ों का जो बेसन है अच्छा सा बैटर तैयार होता है। एक टीस्पून नमक ऐड करेंगे, एक टीस्पून से कम पीसी मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और पिच बिल्कुल पिच चुटकी के बराबर हम सोडा लेंगे। इससे ये होता है कि जो हमारे पकोड़े हैं वो तेल में अजॉफ नहीं होते। इस तरह से हमने अच्छा सा जो सोडा है पिंच के बराबर लिएगा। इसको मैं पानी में बेसन को अजॉफ कर रही हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी बना सकती हैं। अच्छा सा हम अपने बेसन का बैटर को बनाएंगे। जितना हम फेंटेंगे इतने ही मज़ेदार हमारे पकोड़े बनेंगे। बहुत ही अच्छा सा हमारा बैटर तैयार हो गया। दिखाती हूँ आपको कितना ठीक रखना है। ये देखिए इस तरह से ठीक रखना। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं और हम पानी की तरफ आते हैं। इमली का पल्प पहले से भिगो के रख दिया था, ये ब्लेंडर में डालूंगी। इसके बाद वाइट रेगुलर नमक है, काला नमक है, लहसुन का पाउडर है, भुना हुआ जीरा है, पीसी मिर्च है, चाट मसाला है, चाइनीज नमक है, ये सब इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये पानी बनेगा। और उसके बाद हम हरा धनिया, पुदीना, अदरक का पीस है और छोटी मिर्चें हैं। इसको अब हम इसको ब्लेंडर करेंगे एक गिलास पानी के साथ। एक टीस्पून मैंने गुड़ भी लिया है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकती हैं, मगर मैं डालूंगी। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है। अब हम इसको ब्लेंडर करते हैं। पानी हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही टेस्टी सा तैयार हुआ है। हम दो गिलास पानी पहले से इसमें ऐड कर रहे थे, इसमें अपनी चटनी ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा ये हमारा इमली वाला पानी। हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर है बहुत ही स्लो होना चाहिए, इससे कि हमारे पकौड़े अंदर तक के अच्छे से पक जाएंगे। तो थोड़े से हम थोड़े से टेढ़े से भी डालेंगे। जो पतली सी लेयर निकली होती है इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट होता है, बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। ऑयल में हमारे सारे पकोड़े डाल चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसको छोटा भी डाल सकते हैं, बड़ा भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद है। रेडी हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है इसका। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। पकौड़े रेडी हो चुके हैं, अब हम इमली वाले पानी में इसको डालेंगे। देखें कोई सादे पानी में डालते हैं, मिले वाले पानी में डालेंगे कि इसके अंदर का जो पानी है इसमें अजॉफ्ट होगा। बहुत ही मज़ेदार से ये पानी वाली फुल्की रेडी हो गई। अब इसमें डालूंगी मैं प्याज, लच्छे वाली प्याज डालूंगी। देखिए इस तरह से हमारे पानी वाली फुल्की रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर बनाइए और कमेंट में बताइए आपको ये कैसी लगी। हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ढेर सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।